नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका IPL से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में। अब इन दोनों टीमों के बारे में क्यों बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोग को बता दूं, इन दोनों टीमों का अगला मैच आपस में खेलेंगी, यानी कि पंजाब टीम अपना 12वां मैच खेलेगी RCB टीम के खिलाफ, और RCB टीम की बात करें तो वो अपना 13वां मैच खेलेंगी पंजाब टीम के खिलाफ। और कहीं ना कहीं दोनों टीमों को इस मैच में जीतना काफ़ी ज़रूरी है अगर प्लेऑफ की रेस में बने रहना है। और अगर हम पॉइंट्स टेबल में बात करें दोनों टीमों की पोजीशन की, तो RCB है चौथे पोजीशन पर, और इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब टीम की, तो पंजाब टीम का पोजीशन है 8वां पॉइंट्स टेबल में। और दोनों ही टीमें प्लेऑफ की रेस में अभी भी बनी हुई हैं, और वो अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। ऐसे में शुरू में हम जानेंगे दोनों ही टीमों की तरफ से क्या बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। इसके अलावा IPL से जुड़ी और क्रिकेट से जुड़ी कुछ अहम खबरें जानेंगे, और पॉइंट्स टेबल के बारे में अपडेट्स जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में आप सभी लोग को पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप भी चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अच्छी लगी तो वीडियो को दबा के शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग को बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल बना है, उसको आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल जाएगी क्रिकेट से जुड़ी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को बता दूं, पंजाब टीम के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं होंगे। संदीप शर्मा का चांसेस, ये मैं आप सभी लोग को पहले से बताते आ रहा हूँ, हो सकता है उनको फिर से पंजाब की टीम बैक करे। ओवरऑल पंजाब टीम की प्लेइंग 11 सेम रहेगी। और RCB टीम के प्लेइंग 11 की बात करें तो उनकी भी प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं होंगे। वो जो प्लेइंग 11 के साथ पिछले मैच में खेली थी, उसी प्लेइंग 11 के साथ पंजाब टीम के सामने भी खेलेंगी, और कहीं ना कहीं खेलना भी चाहिए क्योंकि ये पिछला मैच जीत के आ रही है। हालांकि पंजाब टीम की बात करें तो अपना पिछला मैच राजस्थान से हार के आ रही है। तो प्लेइंग 11 की बात करें तो ओवरऑल देखें तो राजस्थान के खिलाफ जो पंजाब की टीम ने पिछला मैच खेली थी, वहाँ पर पंजाब टीम के बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। गेंदबाजी थोड़ी वीक हो गई थी, मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिले थे। हो सकता है पंजाब की टीम सेम प्लेइंग 11 के साथ खेले पर मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाने के लिए देखेगी पंजाब की टीम, क्योंकि विकेट्स अगर मिडिल ओवर्स में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं पंजाब की टीम इस मैच में पकड़ बना सकती है। क्योंकि पंजाब टीम की बात करें तो उनके इस साल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं निकाल पाती है। डेथ ओवर्स में तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है पंजाब टीम की तरफ से, अर्शदीप सिंह और रबाडा काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और शुरुआत में भी पंजाब टीम को 6 ओवर के अंदर 1-2 विकेट तो निकाल ही ले रही है हर मैच। मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, अगले मैच में पंजाब टीम हो सकता है अपने स्ट्रेटजी में या कुछ तो बदलाव करे और मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाने के लिए देखेगी। तो ये तो दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में अपडेट्स थी। अब आगे जान लेते हैं कल के मैच की रिपोर्ट कार्ड के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग तो कल शाम जो मैच था राजस्थान और दिल्ली के बीच में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच था उन टीमों के लिए जो अभी भी प्लेऑफ की इसमें बनी हुई है। क्योंकि पंजाब टीम की बात करें तो वो भी चाहेगी कि राजस्थान 1-2 मैचेस हारे, क्योंकि अगर 14 अंकों पर वो रुकती है तो कहीं ना कहीं प्लेऑफ की जो पोजीशन है थर्ड और फोर्थ, इसके अलावा बात करें सेकंड पे भी लखनऊ सुपर जायंट्स अभी 16 अंकों पर रुकी है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी टफ हो जाएगा। और हर टीम के पास मौका रहेगा किसी न किसी टीम के तरफ से, वो अगर चाहेंगे कि कोई टीम हराए किसी टीम को और किसी टीम को फ़ायदा मिले। तो कल का मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट था। रिपोर्ट कार्ड के बारे में जान लें, स्कोर कार्ड के बारे में, तो आप सभी लोग याद हो दिल्ली की टीम टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना पसंद की, और राजस्थान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 रन बनाए अपने 6 विकेट खोकर। और राजस्थान की तरफ से रविंद्र चंद्र अश्विन 3 नंबर पर बल्लेबाजी करना है, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की और 50 मारा। इसके अलावा देवदत्त पाटीकल ने 28 रनों की पारी खेली। तो ये दो टॉप स्कोरर थे राजस्थान टीम की तरफ से, और 160 रन बनाए राजस्थान टीम ने। और इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 11 गेंद शेष रहते, यानी कि 1 ओवर और 5 गेंद रहते, चेस कर दिया इस टारगेट को। और दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर ने 50 लगाया, और मिचेल मार्श ने 89 रनों की यानी कि 79 रनों की शानदार पारी खेली और दिल्ली को जीत दिलाई। और कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम अभी भी प्ले ऑफ की रेस में बनी हुई है। तो ये स्कोर कार्ड था। अब ऐसे में पॉइंट्स टेबल में जान लेते हैं कि दिल्ली की जीत से पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को तो पंजाब टीम के अभी जो 3 मैचेस बचे हैं वो है RCB, दिल्ली और हैदराबाद। तो पंजाब की टीम चाहेगी कि दिल्ली सबको हरा दे और वो पंजाब से हार जाए, और यही सेम सिचुएशन है दिल्ली, हैदराबाद और RCB टीम के साथ। जैसा कि आप सभी लोग को याद हूँ RCB टीम के जो अभी 2 मैचेस बचे हैं पर वो अभी भी क्वालिफिकेशन की रेस में नहीं बनी हुई, हालांकि वो 14 अंकों पे हैं। हैदराबाद से 4 अंक ज़्यादा हैं, दिल्ली से 2 अंक ज़्यादा हैं, पंजाब से 4 अंक ज़्यादा है, पर उनकी सांस अभी भी अटकी हुई है। जैसा कि आप सभी लोग को बता दूं, अगर वो यहाँ से दोनों में से एक मैच हारती है तो 16 अंकों पर रुक जाएंगी। 16 अंकों पर रुकती हैं और
बाई चांस अगर दिल्ली और हैदराबाद या पंजाब ये तीनों में से कोई भी टीम अगर 16 अंकों पे पहुंच जाती है तो आरसीबी नीचे आ जाएगी और वो टॉप चार से बाहर हो जाएगी, क्योंकि 16 अंकों पे अगर आरसीबी की टीम रुकती है तो उनका रन रेट माइनस दिख रहा है दिल्ली के मुकाबले, और कहीं ना कहीं राजस्थान से भी उनका रन रेट खराब है और हैदराबाद से भी। हालांकि पंजाब टीम को टक्कर दे रही है रन रेट के मुकाबले में, पर पंजाब की टीम अगर अपने तीनों मैचेस जीतती है 16 अंकों पे तो डायरेक्टली आरसीबी की टीम बाहर हो जाएगी। तो आरसीबी टीम के लिए नॉकआउट मैचेस दोनों के दोनों जीतना है, और सेम सिचुएशन आरसीबी के साथ है देखें तो दिल्ली का भी यही है, दिल्ली को भी तीनों के तीनों जीतना है, हैदराबाद को भी तीनों के तीनों मैचेस जीतते अपने बचे हुए, और सेम है पंजाब के भी, क्योंकि पंजाब के तीन मैचेस बचे हैं उनको भी अपने तीनों मैचेस लगातार जीतना है। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिएगा आप, और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।